गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज हम फिर आपके सामने आ गए हैं और आज इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 33 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 34 किस चीज़ पर चर्चा करता है और आर्टिकल नंबर 35 किस चीज़ पर चर्चा करता है। बहुत ही अच्छे से देखेंगे इसके संबंध में। मैं आपको कुछ जैसे कि कुछ और भी बताऊंगा आगे वीडियो के लास्ट में, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको मार्शल लॉ के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा और मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल जो कि 352 के अंतर्गत लगाया जाता है उसमें अंतर क्या होता है, उस भी चीज़ पर भी हम चर्चा करेंगे। तो समझते हैं आर्टिकल नंबर 33 को, पहले हम समझते हैं। देखिए आर्टिकल नंबर 33 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 33 कहता है कि आर्टिकल नंबर 33 सैन्य बलों एवं अर्धसैनिक बलों में कार्यरत लोगों के लिए मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। अरे अभी तक आपने क्या देखा, अगर हम फंडामेंटल राइट को देखें स्टार्टिंग से लगा करके अंत तक अगर हम पढ़ें तो देखते क्या है कि फंडामेंटल राइट किसी के छीने नहीं जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए एक बात बोल रहा है कि जो सैन्य बल हैं, जैसे कि हम सशस्त्र बल की बात कर लें, पुलिस बल की बात कर लें या खुफिया एजेंसी की बात कर लें, ये जितने भी सैन्य बल हैं या फिर अर्धसैनिक बल हैं, इनमें जो भी लोग कार्य कर रहे हैं, ठीक है, वो छोटा से लेकर के बड़ा तक किसी भी तबके का या किसी भी पद पर वो कार्य कर रहा हो, कार्यरत लोगों के लिए जो मूल अधिकार प्रदान किए जा सकते हैं जाते हैं उन पर प्रतिबंध लगाने की बात कहता है आर्टिकल नंबर 33। समझ गए, सिंपल सी बात। नहीं समझे फिर से समझिए, मतलब ये है कि जो हमारे सशस्त्र बल हैं, जो हमारी खुफिया एजेंसी हैं, जो हमारे पुलिस बल हैं, उनमें जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है उसके फंडामेंटल राइट को कानून बना करके प्रतिबंधित किया जा सकता है। और ये कानून कौन बनाएगा, ये कानून बनाएगा संसद। कौन बनाएगा, ये अधिकार किसको दिया गया है, संसद को। यानी कि संसद कानून बना करके सैन्य बल, जिसके अंतर्गत पुलिस बल भी आएगा, सशस्त्र बल भी आएगा, खुफिया एजेंसीज भी आएंगी या जो अन्य प्राधिकरण है वो भी आएंगे, एवं अर्धसैनिक बलों में जो भी लोग कार्य कर रहे हैं उनके फंडामेंटल राइट को प्रतिबंधित किया जा सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि फंडामेंटल राइट भाई इनके क्यों छीने गए, क्या ये हम लोगों की तरह मनुष्य नहीं है, क्या ये हम लोगों की तरह सांस नहीं लेते हैं, क्या हम लोगों की तरह इनके रगों में रक्त नहीं बहता है, आखिर क्यों किया गया। तो देखिए इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण था। कारण ये था कि इस कंडीशन को लागू करके एक जो समुचित न्यायिक व्यवस्था है उसको कायम किया जा सकता है, एक समुचित अनुशासन को वहाँ पर कायम किया जा सकता है, ठीक है। मतलब अनुशासन को स्ट्रॉन्ग करना और जो भी समुचित कार्य हैं उनको बनाए रखने के लिए इस चीज़ को लागू किया गया। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर दो तीन पॉइंट ध्यान रखना, जैसे कि आर्टिकल नंबर 33 किसके बारे में बात करता है ये ध्यान रखना, और इस पर कानून कौन बना सकता है, संसद, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब हमने क्या कहा कि सैन्य बलों या अर्धसैनिक बलों के अंतर्गत कौन कौन से लोग आएंगे, तो जैसा कि हमने कहा कि इसमें छोटे से लगा करके बड़े तक जो भी पद है वो सारे आ जाएंगे। अगर हम बात कर लें बढ़ई की, अगर हम बात कर लें मैकेनिक की, अगर हम बात कर लें बावर्ची की, अगर हम बात कर लें चौकीदार की, अगर हम बात कर लें बूट बनाने वाले की, अगर हम बात कर लें दर्जी की, तो सारे के सारे सैन्य बल के अंतर्गत आ जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो इस आधार पर बहुत सारे नियम अभी तक बनाए भी जा चुके हैं संसद के द्वारा, तो वो नियम आप नोट कर लीजिए कि कौन कौन से बनाए गए हैं। जैसे कि अगर हम बात कर लें सैन्य अधिनियम 1950 की, ठीक है, सैन्य अधिनियम 1950 इसी के अंतर्गत बनाया गया, ठीक है। नौसेना अधिनियम इसी के अंतर्गत बनाया गया, नौसेना अधिनियम भी 1950 इसी के अंतर्गत बना हुआ है। इसके बाद अगर हम वायुसेना अधिनियम 1950 की बात कर लें, ठीक है, वायुसेना अधिनियम भी इसी के अंतर्गत बना हुआ है, 1950 के अंतर्गत बना हुआ है। अगर हम बात कर लें पुलिस बल की, ठीक है, पुलिस बल का जो अधिनियम 1966 ये भी इसी के अंतर्गत बना हुआ है। ये सब चीज़ें ध्यान रखना, सैन्य अधिनियम 1950
इसी के अंतर्गत बना हुआ है, यानी कि संसद के द्वारा ही बनाया गया है। नौसेना अधिनियम 1950 इसी के द्वारा बनाया गया है संसद के द्वारा। वायुसेना अधिनियम 1950 भी इसी के अंतर्गत आता है। और जो आपका पुलिस बल अधिनियम है 1966 भी इसी के अंतर्गत आता है। इतनी बात समझ गए। तो आर्टिकल नंबर 33 इन चीज़ों पर चर्चा करता है। और कौन कौन से लोग आते हैं इसको भी ध्यान रखना, हमने कौन कौन से लोग आपको बताए, ठीक है, बढ़ई सारे आ जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। बढ़ई हो गया, ठीक है, वहाँ का मैकेनिक हो गया, मैकेनिक हो गया, मैकेनिक के बाद बावर्ची हो गया, बावर्ची हो गया, ठीक है, दर्जी हो गया, बूट बनाने वाला हो गया। ये सारे जितने भी व्यक्ति आएंगे वो सारे के सारे के सारे इसमें सैन्य बल के अंतर्गत आ जाएंगे, सैन्य बल और अर्धसैनिक बलों के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो इतनी बात हमें आर्टिकल नंबर 33 बताता है। समझ में आ गया। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 34 की। देखिए आर्टिकल नंबर 34 किस किस चीज़ पर चर्चा करता है, आर्टिकल नंबर 34 किन किन चीज़ों को हमें बताता है, ठीक है। देखिए आर्टिकल नंबर 34 को हम पढ़ते हैं, क्या कहता है आर्टिकल नंबर 34 कहता है कि यदि किसी क्षेत्र में, एक विशेष क्षेत्र की बात हो रही है, में सैन्य अधिनियम लागू हो तो उस क्षेत्र के लिए मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। अब मान लो कि किसी क्षेत्र में सैन्य अधिनियम, जैसे कि हम बात कर लें अफस्पा की, अफस्पा का कानून आपने सुना होगा, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958। मान लो उस तरीके का कोई सैन्य अधिनियम लागू है तो उस क्षेत्र के लिए जो भी मूल अधिकार लागू किए जा रहे हैं वहाँ पर उनको स्थगित किया जा सकता है। किसके अंतर्गत, आर्टिकल नंबर 34 के अंतर्गत, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब यहाँ पर देखिए एक नई बात यहाँ पर निकल के आ रही है, सैन्य अधिनियम। हमने आपको एक शब्द बताया अपस्पा। अपस्पा क्या है, एक मार्शल ला है। क्या है, एक मार्शल ला है। अब यहाँ से ये मार्शल ला क्या होती है, मार्शल ला होता क्या है, ये किस उड़ती हुई चिड़िया का नाम है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि मार्शल ला कहते किसको हैं, मार्शल ला कब लागू होता है। देखिए होता क्या है, अगर मान लो कि किसी क्षेत्र में किसी प्रकार का आक्रमण हो जाए, किसी प्रकार का कोई दंगा भड़क जाए, किसी प्रकार की कोई अराजकता फैल जाए, तो उस स्थिति में होता क्या है, जितने भी नियम होते हैं, जितने भी कानून होते हैं, वो एक सरकारी निकाय के अंतर्गत ना करके एक सेना के पास आ जाते हैं। मतलब एक प्रकार का कैसा शासन हो जाता है, सेना का शासन हो जाता है, सैन्य शासन लागू हो जाता है। तो जहाँ पर ऐसी स्थिति लागू होती है कि वहाँ पर जो साधारण सरकार है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो उस कंडीशन में एक सेना का कानून लाया जाता है, यानी कि सैन्य शासन लागू कर दिया जाता है, उसको कहा जाता है मार्शल ला, ठीक है, जिसके अंतर्गत अपस्पा जैसे कानून आते हैं, ठीक है। तो यही बात बोल रहा है कि यदि किसी क्षेत्र में सैन्य अधिनियम लागू हो तो उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र के लिए मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। मतलब जहाँ पर मार्शल ला लागू है उस क्षेत्र में जो भी मूल अधिकार हैं उनको स्थगित किया जाएगा, ठीक है, उनके वहाँ पर जो भी मूल अधिकार लागू हैं उनको स्थगित किया जाएगा। तो मार्शल ला के बारे में हम आपको थोड़ा सा बताएंगे, लेकिन कुछ बातें हम आपको चलो बता देते हैं क्योंकि वीडियो के लास्ट में। अब देखिए ऐसा ये प्रतीत हो रहा है मार्शल ला जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल लग गया हो, राष्ट्रीय आपातकाल 352 लग गया हो, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल 352 में और ये मार्शल ला में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस हम आपको बताएंगे, ठीक है, कि मार्शल ला और राष्ट्रीय आपातकाल में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ठीक। लेकिन कुछ बातें अभी हम इसके बारे में आपको बता देते हैं। जैसे कि जो मार्शल ला है एक प्रकार से अंग्रेजी कानून है। कैसा कानून है, अंग्रेजी कानून है, ठीक है, और संविधान में इसका कहीं भी आपको वर्णन नहीं मिलेगा। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल हमने देख लिया कि 352 में है, लेकिन मार्शल ला किसी भी प्रकार से आपको संविधान में देखने को नहीं मिलेगा। और क्यों बनाया जाता है ये तो हमने आपको बता दिया कि एक प्रकार से अनुशासन बना दिया जाए वहाँ पर, क्योंकि जो सामान्य प्रशासन है वो चालू नहीं, मतलब सही ढंग से लागू नहीं हो पाता है, तो उस प्रशासन को, यानी कि सामान्य प्रशासन को अपने हाथ में ले लेने का काम कौन करता है, मार्शल ला करती है, ठीक है। और इस कंडीशन में होता क्या है, जो सामान्य कानून वहाँ पर होते हैं वो पूरी तरीके से निलंबित किए हो जाते हैं। और एक बात प्रश्न ये उठता है कि ये भारत में कहाँ लागू किया जा सकता है, भारत में ये कहाँ लागू किया जा सकता है, तो
इस पॉइंट को नोट कर लेना कि भारत के किसी भी क्षेत्र पर इसको लागू किया जा सकता है, ठीक है। यानी भारत में ये कहीं पर भी लागू किया जा सकता है, मार्शल लॉ, ठीक। तो इतनी सारी बातें हमने आर्टिकल नंबर 34 में आपको बता दी। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत तो आर्टिकल नंबर 33 क्या कहता है कि जो भी हमारे सैन्य बल हैं, वो चाहे सशस्त्र बल हो, चाहे खुफिया एजेंसी हो, चाहे पुलिस बल हो, या जो भी अर्धसैनिक बल हैं, उनमें अगर किसी प्रकार से व्यक्ति कार्य कर रहा है, वो चाहे बढ़ई हो, चाहे मोची हो, चाहे दर्जी हो, चाहे बावर्ची हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियर हो, कोई भी हो, ठीक है, इवन तो कोई भी पर्सन हो, उनके मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। कौन कानून बनाएगा इसके लिए? इसके लिए कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा, ठीक है। जिसके हमने उदाहरण भी कुछ देखे, जैसे कि सैन्य अधिनियम 1950 देखा, नौसेना अधिनियम 1950 देखा, वायुसेना अधिनियम 1950 देखा, और पुलिस बल अधिनियम 1966 भी इसी के उदाहरण आते हैं। आर्टिकल नंबर 34 क्या कहता है कि मान लो किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है, ठीक है, मार्शल लॉ लागू है, यानी कि जो साधारण कानून है वो किसके अंडर में आ गया है? वो सेना के अंडर में आ गया है, लागू है, तो उस क्षेत्र के लिए जो मूल अधिकार होंगे, मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। मतलब वहाँ पर जो भी फंडामेंटल राइट लागू किए मतलब होते हैं हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट, उनको वहाँ पर लागू नहीं किया जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात हमें आर्टिकल नंबर 33 और 34 में समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्टिकल नंबर 35 की, जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। आर्टिकल नंबर 35 क्या कहता है, देखिए, लिखा है केवल संसद को, बात समझिए, केवल संसद को, संसद की बात हो रही, केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। अब यहाँ पर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते समय एक चीज़ सीखी होगी कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ संसद कार्य करती है, उसी प्रकार से राज्य के स्तर पर विधानमंडल कार्य करता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल, जिसके अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद आते हैं, ठीक है, और राज्यपाल आते हैं, वो संसद की तरीके कार्य करता है। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, केवल संसद को ये अधिकार है, मतलब विधान मंडल को इससे बाहर रखा गया है। केवल संसद को कुछ विशेष मूलाधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि वो कौन कौन से कानून हो सकते हैं जिस पर संसद विधि बना सकता है, ठीक है, कौन कौन से वो नियम हो सकते हैं जिस पर संसद कानून बना सकता है, विधि बना सकता है। तो इसके लिए देखिए, हमने आपको आर्टिकल नंबर 16 पढ़ाया था, याद है आर्टिकल नंबर 16 क्या था? आर्टिकल नंबर 16 पढ़ाया था, आर्टिकल नंबर 32 पढ़ाया था, और आर्टिकल नंबर 34 तो अभी अभी हमने आपको पढ़ाया ही है। तो सबसे पहला पॉइंट समझिए, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट समझिए, देखिए, अगर मान लो कि कोई व्यक्ति है, कोई नौकरी करने जाता है, तो या तो वो राज्य सरकार की नौकरी करता है, या तो वो केंद्र सरकार की नौकरी करता है, या फिर किसी निजी संस्थान में नौकरी करता है, तो उसके लिए जो रोजगार होगा, ठीक है, रोजगार और नियुक्ति के लिए, रोजगार और नियुक्ति के लिए जो निवास होगा, ठीक है, निवास के लिए पूरी व्यवस्था कौन करेगा? संसद करेगा, आर्टिकल नंबर 16 के अधीन। इसके बाद दूसरी बात करते हैं, फंडामेंटल राइट को लागू कराने के लिए हमने आपको आर्टिकल नंबर 32 बताया था। तो फंडामेंटल राइट को लागू कराने के लिए भी नियम कौन बना सकता है? संसद बना सकता है, किसके अंतर्गत? आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत, यानी कि मूल अधिकारों को लागू भी कराया जा सकता है आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत। तो उस पर भी विधि कौन बना सकता है? संसद बना सकती है। इसके बाद क्या आती है? इसके बाद तीसरी बात आती है कि जैसे कि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है, तो मार्शल लॉ लागू है मतलब उस क्षेत्र में क्या हुआ है? सैन्य शासन आ गया है। तो सैन्य शासन के थ्रू हो सकता है कि किसी को दो चार लाठियां पड़ जाएं, ठीक है, वो तो मान्य होगा, लेकिन ऐसी कोई क्षतिपूर्ति होती है जो कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है, किसी की मान लो संपत्ति की हानि होती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो क्षतिपूर्ति होगी वो कौन देगा? वो देगा संसद, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 34 भी इसके अंतर्गत कानून बनते हैं। तो ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर 16
इसके अंतर्गत बनाया जा सकता है संसद के द्वारा। 32 पर विधि बना सकती है संसद और 34 पर भी संसद विधि बना सकती है। इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद हमने आपको पढ़ाया था आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 जिसमें हमने आपको अनटचेबिलिटी के बारे में बताया था, अस्पृश्यता के बारे में बताया था। अस्पृश्यता के बारे में हमने आपको बताया था कि मान लो कि कोई व्यक्ति किसी से अनटचेबिलिटी करता है, अस्पृश्यता करता है, तो उसको सजा का प्रावधान है। तो उस पर जो विधि बनाएगी, जो कानून बनाएगी, वो भी कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। तो कुछ ऐसे कानून है जिन पर दंड भी दिया जा सकता है, यानी कि दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है, जिसमें से जो प्रमुख है वो अस्पृश्यता आ गया, ठीक है, आर्टिकल नंबर 17 आ गया। इसके बाद दूसरा हमने आपको बताया था आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल नंबर 23 किसके बारे में था? आर्टिकल नंबर 23 किसके बारे में था? आर्टिकल नंबर 23 कहता था मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम के बारे में। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में हमने आपको पूरा पूरा पढ़ाया था। तो अगर वो भी कहीं होती है, मानव के साथ दुर्व्यापार होता है या बलात्श्रम किया जाता है, तो वहाँ पर भी जो सजा का प्रावधान है उसके संबंध में जो नियम है, जो कानून है, जो विधि है, वो कौन बना सकता है? संसद बना सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आर्टिकल नंबर 33 हमने जाना, आर्टिकल नंबर 34 जाना और आर्टिकल नंबर 35 जाना कि आर्टिकल नंबर 33 में कौन सी बातें हैं, आर्टिकल नंबर 34 में कौन सी बातें हैं, आर्टिकल नंबर 35 में कौन सी बातें हैं। अब हमने आपको बताया था कि जो मार्शल राइट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमको राष्ट्रीय आपातकाल की तरह नज़र आता है, उसकी तरह दिखता है। तो अब हम जान लेते हैं कि मार्शल लॉ, ठीक है, और जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है उसमें मुख्य अंतर क्या होता है, ठीक है, समझते हैं। ठीक है, हम आपको स्लाइड लगाते हैं स्क्रीन पर और वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, समझते हैं। देखिए, जैसा कि आपके सामने आ गई होगी स्लाइड, इसको समझते हैं। आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 34 के अंतर्गत जो मार्शल लॉ है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, और आर्टिकल नंबर जो 352 है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले हम पहला पॉइंट समझते हैं। देखिए, पहला पॉइंट क्या कहता है? ये कहता है कि यह सिर्फ मूल अधिकारों को प्रभावित करता है। मतलब जो मार्शल लॉ है, मतलब जो सैन्य कानून है, यह सिर्फ मूल अधिकारों को ही प्रभावित करता है। मतलब इसके अंतर्गत केवल मूल अधिकार ही प्रभावित होंगे। अगर हम इधर राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में देखें तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि यह न केवल मूल अधिकारों को प्रभावित करता है बल्कि केंद्र राज्य संबंधों को भी प्रभावित करता है। ठीक है, मतलब क्या है कि ये मूल अधिकारों को तो प्रभावित करता ही करता है, साथ में जो केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध हैं उनको भी प्रभावित करता है। इसके अलावा जैसे कि राजस्व का वितरण है उसका क्या है, ठीक है, या फिर उसके निकाय शक्तियां हैं उनको भी प्रभावित करता है, और संसद का कार्यकाल भी आपको इसमें बढ़ा हुआ प्रतीत हो सकता है, यानी कि संसद का कार्यकाल भी इसके अनुसार बढ़ाया जा सकता है। वो हम आपको पढ़ाएंगे पूरी प्रक्रिया जब हम आपको संसद के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से संसद का कार्यकाल और विधानमंडल का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, वहाँ पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा पॉइंट इसका देखते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा है सरकार एवं साधारण कानूनी न्यायालयों को निलंबित करता है। मतलब अभी हमने आपको बताया जो सरकार के द्वारा जो मतलब साधारण कानून लगाए गए हैं उनके न्यायालयों को भी ये निलंबित करता है। इधर देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल में यह सरकार एवं सामान्य कानूनी न्याय को जारी रखता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं मार्शल लॉ का, यह कानून एवं व्यवस्था को भंग होने से दोबारा निर्धारित करता है, भंग होने पर उसे दोबारा निर्धारित करता है। मतलब एक बार अगर मान लो कि कानून एवं व्यवस्था अगर मान लो भंग हो जाती है तो उसको ये दोबारा निर्धारित कर लेगा। इसी प्रकार अगर हम राष्ट्रीय आपातकाल में देखें तो यहाँ पर देखिए तीन आधारों पर ही लागू हो सकता है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल पर हम चर्चा करें तो राष्ट्रीय आपातकाल तीन आधारों पर लागू हो सकता है। कौन कौन से वो आधार हैं? युद्ध है, ठीक है, या फिर बाहरी आक्रमण हो जाए, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाए। तो इस कंडीशन में राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है 352 के अंतर्गत लगाया जा सकता है। अगर हम इधर मार्शल लॉ पर चौथा पॉइंट देखें तो लिखा है इसे देश के कुछ विशेष क्षेत्रों पर ही लागू किया जा सकता है। अभी हमने आपको बताया था, ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र पर ही लागू किया जा सकता है, बल्कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल को देखें तो इसे पूरे देश के किसी भी हिस्से में लागू किया जा सकता है, ठीक है।
इसके बाद पांचवा पॉइंट देखते हैं, इसके लिए संविधान में कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। ठीक है, हमने आपको प्रारंभ में ही बताया कि इसमें किसी प्रकार की संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है और एक प्रकार से ये कैसा कानून है, अंग्रेजी कानून है। इसी प्रकार अगर हम राष्ट्रीय आपातकाल को देखें तो संविधान में इसकी विशेष व्यवस्था है, यह सुस्पष्ट एवं विस्तृत है, जो कि आपके आर्टिकल नंबर 352 में पूरा पूरा आपको दिया हुआ है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने देखा आर्टिकल नंबर 33 क्या है, आर्टिकल नंबर 34 क्या है, आर्टिकल नंबर 35 क्या है, और साथ ही साथ मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल में डिफरेंस क्या है ये भी हमने जाना। तो इसी के साथ हमारे जो फंडामेंटल राइट मतलब होते हैं पूरे पूरे समाप्त होते हैं। हमने पूरे फंडामेंटल राइट को बहुत ही गहनता से सीखा है। नेक्स्ट क्लास में हम DPSP को पढ़ेंगे और DPSP के अंतर्गत हम सारी चीज़ें जानेंगे, फिर मूल कर्तव्यों को भी पढ़ेंगे। धीरे धीरे ऐसे ही करते हुए हम पूरी अपनी क्लास को ख़त्म करेंगे। ठीक, तो हमारे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। अगर किसी प्रकार की समस्या, दुविधा, कन्फ्यूजन कुछ भी होता है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखिए कि क्या समस्या है, क्या दुविधा है, क्या कन्फ्यूजन है, क्या चीज़ समझ में नहीं आई, उसका निवारण आपको पूरा पूरा दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और DPSP के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।